हाँ, चैप्टर 8 लॉजिक एंड प्रोपोर्शनल कैलकुलस, तर्क व साध्य कलन। पहले एक सेंटेंस है, जो वाक्य सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कुछ नोटेशन हो, कुछ वर्ड्स हो, इससे बना जो एक्सप्रेशन होता है जिसकी सत्यता के बारे में निश्चय करना विवेचन होता है। यानी अपन ये बता सकते हैं कि ये सत्य है या नहीं, ये करना संगत हो तो वो क्या कहलाता है, सेंटेंस। जैसे जयपुर राजस्थान की राजधानी, ये सही, ये पूरा सेंटेंस हो गया। क्लियर? 2 + 3 = 5, ये भी सेंटेंस हो गया। ये ट्रू हो गया, ये भी ट्रू कंडीशन हो गया। बट x + 1 < 3, इस पर अपन बता नहीं सकते कि x की वैल्यू क्या होगी, या सिंपल x < 3, तो ये सेंटेंस हो गया, बट ये ओपन सेंटेंस हो गया। इसमें x कुछ भी हो सकता है, क्लियर? एक से ज्यादा की भी कंडीशन हो सकती है। तो अपन ने जो ओपन बनाते हैं सेट, उसको बहुत सारी कंडीशन होती, तो ये दोनों क्या हो गया, सेंटेंस, और x + 1 < 3 ये कैसा हो गया, ओपन सेंटेंस। फिर है प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट, ये तो था सेंटेंस। हिंदी में प्रोपोजिशन यानी साध्य, स्टेटमेंट यानी कोई कथन, किसी सेंटेंस के, जो ये सेंटेंस था उसके ट्रू या फॉल्स के बारे में पता चलता है कि वो या तो ट्रू होना चाहिए या फॉल्स, उसे प्रपोजिशन या क्या बोलेंगे अपन, स्टेटमेंट। सेंटेंस स्टेटमेंट है ना, कोई भी सेंटेंस ट्रू या फॉल्स होगा वो क्या कहलाएगा, स्टेटमेंट। जैसे 3 + 2 = 6, ये क्या सही है, नहीं, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। और n सबसेट है जेड का, n यानी नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3, और जेड में 0 1 2 3 भी आएंगे नेगेटिव भी, तो n इसका सबसेट है, ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। इसको प्रपोजिशन भी बोल सकते हैं या स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। अब आपका जीवन मंगलमय है, ये कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, क्लियर ना, उसका कोई ट्रू या फॉल्स के बारे में पता चल ही नहीं रहा, ये तो सिंपल कंडीशन हो गई। तो यह ये पता चल रहा है कि आपका जीवन मंगलमय है, कि वो एक मैथमेटिकल फॉर्म में होना चाहिए, तो ये ना ट्रू है ना फॉल्स है, क्लियर, तो उसको अपन कोई स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। तो स्टेटमेंट क्या होगा, जिसके जिस सेंटेंस से उसके ट्रू या फॉल्स होने का पता चलता है वो हो जाएगा स्टेटमेंट। इससे कोई पता नहीं चल रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो स्टेटमेंट के टू पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट यानी उद्देश्य, और प्रेडिकेट यानी विधेय। जैसे ये पेन सफेद है, तो यह पेन, ये हो गया सब्जेक्ट, किसके बारे में बता रहे हैं, ये पेन हो गया सब्जेक्ट, पेन के बारे में, और क्या बता रहे हैं, वो सफेद, वो प्रेडिकेट हो गया यानी विधेय हो गया। यहाँ पे अपन बोलते हैं सब्जेक्ट के अलावा जो बचता है वो प्रेडिकेट। क्लियर? यह गुलाब गुलाबी है, तो ये जो ये गुलाब है ये सब्जेक्ट हो गया, क्या बता रहा है इसकी क्वालिटी, गुलाबी, ये प्रेडिकेट हो गया। तो यहाँ स्टेटमेंट के टू पार्ट्स होंगे, एक तो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट की फॉर्म। क्लियर? अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। कोई स्टेटमेंट जो है अगर ट्रू है तो उसको टी से डिनोट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, ट्रूथ वैल्यू। कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसे टी से डिनोट करेंगे, कोई स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है, तो उसको एफ से डिनोट करेंगे।
सेफ आई डिड नॉट डू दैट. क्लियर. तो शॉर्ट फॉर्म है कोई भी स्टेटमेंट होगा ट्रुथ के लिए ट्रू, ट्रू के लिए टी और फॉल्स के लिए एफ से डिनोट करेंगे. अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट. टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट पहला है सिंपल और दूसरा है कंपाउंड. है ना, दो तरह के स्टेटमेंट होंगे या प्रपोजिशन होंगे. सिंपल स्टेटमेंट में जिसमें केवल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, क्लियर, वो सिंपल. और कंपाउंड का मतलब क्या होगा, दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट को अपन जोड़ के या मिला के एक नया स्टेटमेंट बनाते हैं, वो कंपाउंड. कंपाउंड का मतलब मिश्र, है ना, ये मिश्र. इसकी कंडीशन से पता चल रहा है मिश्र मतलब. तो दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट को मिला के जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड स्टेटमेंट. तो सिंपल में क्या होगा कि जिसमें सब्जेक्ट हो प्रेडिकेट हो तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल स्टेटमेंट. ऐसा स्टेटमेंट जिसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट उद्देश्य और विधेय हो, क्लियर, तो वो क्या आ जाएगा, उसे सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं. जैसे ये पहल रेड है या गुलाबी है, कोई भी ये कंडीशन, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल स्टेटमेंट जो है. तो ये है, यह फूल गुलाबी है, ना, ये इसका सब्जेक्ट, ये इसका प्रेडिकेट. एवरी इवन नंबर टू से डिवाइड होती है. एवरी इवन नंबर उसे डिविजिबल होता है, यानी टू से डिवाइड होता है. ये प्रत्येक सम संख्या जो टू से डिवाइड होती है, क्लियर. तो ये आ गया एवरी इवन नंबर, ये सब्जेक्ट टू से डिविजिबल होता है, उसका प्रेडिकेट. तो ये क्या आ जाएगी कंडीशन अपने, सिंपल स्टेटमेंट. और कंपाउंड स्टेटमेंट का अलग, दो या दो से सिंपल स्टेटमेंट से जो स्टेटमेंट बनेगा वो क्या हो जाएगा, कंपाउंड. ध्यान से समझना है, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगा, टू या मोर देन जो है टू सिंपल स्टेटमेंट को अपन क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट. जो अगर सिंपल स्टेटमेंट है वो दो या दो से ज्यादा, है ना, उनकी कंबाइंड फॉर्म हो तो क्या हो जाएगा, वो कंपाउंड स्टेटमेंट. टू या मोर देन टू कंबाइंड जो है सिंपल स्टेटमेंट, कंबाइंड लिख लेना. सिंपल स्टेटमेंट को अपन क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट. उनकी कंबाइंड फॉर्म क्या है, जैसे पृथ्वी गोल है, ये एक सिंपल स्टेटमेंट हो गया, क्लियर. और या एंड जो लिया अपने, ये सूरज की ज्यादा घूमती है, ये दूसरा सिंपल स्टेटमेंट. तो दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट को एक साथ लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कंपाउंड. जैसे x2 से डिविजिबल है, देन x इज इवन. तो जब दो या दो से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट है उनकी कंबाइंड फॉर्म लिख रहे हैं तो उनके बीच और भी आ सकता है, ये तो एंड है, और आ सकता है, एंड आ सकता है, देन आ सकता है, ये इफ एंड ओनली इफ आ सकता है, नॉट आ सकता है, क्लियर. कुछ भी कंडीशन तो उनको ऐड करने के लिए, आपस में मिलाने के लिए और भी आ सकता है एंड. तो दो सिंपल या दो से ज्यादा स्टेटमेंट है उनके बीच या तो और आ जाए, एंड आ जाए, देन आ जाए, इफ आ जाए, नॉट आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, कंपाउंड स्टेटमेंट. इनके लिए लॉजिकल कनेक्टिव है अपने पास,
जैसे और एंड देन इफ नॉट, इनको मैथ्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो कंडीशन पढ़ रहे हैं, लॉजिकल कनेक्टिव. लॉजिकल कनेक्टिव तर्कसंगत संयोजन है ना, जो अपन मैथ्स में सेंटेंस दे रहे हैं उनको नाम दे देंगे पी क्यू आर. पी सेंटेंस का नाम है ना, पी एक सेंटेंस हो गया, क्यू दूसरा हो गया, अगर आर आ गया तो तीसरा हो गया, दोनों तो उससे ज्यादा हो सकते हैं अपने पास. तो कनेक्टिव वर्ड्स उनके लिए क्या लेंगे अपने पास, जैसे और को इंग्लिश में क्या बोलते हैं एंड है ना, उसके लिए सिंबल क्या हो जाएगा ये एंड का सिंबल. और इनको जोड़ना है तो इसका यूज कैसे करेंगे, दो स्टेटमेंट के लिए पी एंड क्यू, एंड यानी और की कंडीशन है ना, दो स्टेटमेंट के बीच ये आ जाएगा. और या है इंग्लिश में और बोलेंगे, ये या का और का कंडीशन ये आ जाएगा, दो स्टेटमेंट के बीच कैसे लगेगा ये पी और क्यू की कंडीशन. नहीं यानी निगेशन, यानी निगेशन का मतलब नॉट है ना, तो ये आ जाएगा उसका सिंबल ये पी और इसके बीच में नहीं की कंडीशन है ना, पी एंड क्यू का ये, पी और क्यू का ये नेगेशन की कंडीशन हो जाएगी. और यदि तो यानी ये इम्प्लाइज है पी इम्प्लाइज क्यू, इन दिनों का इफ देन की कंडीशन. और यदि दी इफ एंड ओनली इफ, दोनों तरफ इम्प्लाइज है भी इसका उल्टा भी, इसके लिए ये होगा. फिर अपने पास है एंड एंड, एंड का मतलब नॉट, नहीं भी है एंड भी है, ये दोनों कंडीशन साथ में, एंड का मतलब नॉट और ये एंड, ये ऊपर एंड होने जाए, ऊपर एंड का मतलब नैंड है ना, एंड यानी नॉट और एंड आ जाए, ये एंड अपना ये नॉट के लिए कंडीशन, ये दोनों साथ में हो, नॉट यानी नॉट और ये नीचे एंड हो जाएगा, ये एक्स आर के लिए क्या आ जाएगी कंडीशन, ये साइड ये इन दो सेंटेंस के बीच ये रहा. तो मैथमेटिकल अपन ये नहीं लिख के, ये लैंग्वेज में अपन मैथमेटिकल सिंबल्स के उससे बताएंगे, वो अंडरस्टूड होगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है. ठीक है, ट्रुथ टेबल अपने पास पी और क्यू दो स्टेटमेंट्स है. ठीक है, पी और क्यू क्या ले लें अपन, टू स्टेटमेंट्स. अब इनमें कंडीशन लें पी एंड क्यू, टू स्टेटमेंट्स. अब जब इसके लिए ट्रुथ टेबल बना रहे हैं, पी और क्यू की ट्रू वैल्यू को टी से और रॉन्ग वैल्यू को एफ से डिनोट करें है ना, पी एंड क्यू की, पी एंड क्यू का जो ये स्टेटमेंट है कि ट्रू वैल्यू टी एंड जो फॉल्स वैल्यू है एफ से डिनोट करें. ट्रू वाली तो हो जाएगी टी और ये फॉल्स वाला जो हो जाएगा अपने एफ से. तो यहाँ दो स्टेटमेंट है तो इसके कारण टू की पावर टू यानी फोर कंडीशंस हो सकती है. टू फिक्स रहेगा जैसे अपन सेट्स बनाते हैं प्रोबेबिलिटी में, क्लियर, वैसे ही अपन ये जो पावर सेट की कंडीशन है ये टू की पावर टू हो गया यानी फोर कंडीशन हो सकती है. मान लो तीन स्टेटमेंट होंगे तो टू की पावर थ्री यानी एट कंडीशन आ गई, जैसे पी ये टी. फोर कंडीशन का मतलब ये दोनों ट्रू हो सकते हैं, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, एक फॉल्स है एक ट्रू है, और यहाँ दोनों ही फॉल्स है. क्लियर, अब अपन देखें इनके लिए कैसी कंडीशन P एंड Q. P एंड Q की कंडीशन लें या ये P और Q की कंडीशन, P एंड Q. अब यहां पे अपन कंडीशन लें, जो ट्रू कंडीशन है उसके लिए क्या लेंगे अपन, वन से वन.
क्लियर। और फॉल्स की कंडीशन को किससे डिनोट करेंगे? जीरो से। और जब अपन यहां एंड के लिए बात कर रहे हैं तो इजी वे में इनटू की कंडीशन, क्लियर। तो पी एंड क्यू की क्या कंडीशन होगी? जैसे ये वन है, ये वन है, वन को वन से इंटू कराए तो क्या आएगा? वन, वन आएगा, यानी वन के लिए अपन क्या ले रहे हैं? ट्रू। तो ये आ जाएगी ट्रू की कंडीशन। फिर वन को जीरो से मल्टीप्लाई कराए तो क्या आ जाएगा? जीरो। तो ये क्या आ जाएगी कंडीशन? फॉल्स। या जीरो की वन से मल्टीप्लाई कराए तो जीरो, तो ये फॉल्स। जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई कराए तो जीरो, तो ये क्या आ जाएगी? फॉल्स की कंडीशन। या फिर एक सिंपल सी कंडीशन हो गई पी एंड क्यू का, अंदर दो स्टेटमेंट है, क्लियर। पी और क्यू अपन बोल रहे हैं दोनों सही है, तो उन दोनों स्टेटमेंट की कमांड फॉर्म को सही बोलेंगे। एक सही है दूसरा गलत है तो क्या हो जाएगा? वो गलत ही माना जाएगा, फॉल्स। ये गलत है वो सही है, तब भी क्या माना जाएगा? गलत, फॉल्स की कंडीशन। दोनों गलत है स्टेटमेंट तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग कंडीशन, तो ये फॉल्स की कंडीशन। तो ये अपने पास कंडीशन आ गई किसके लिए? पी एंड क्यू की कंडीशन, क्लियर। इसी से अपन और क्या बनाना चाहें, इसको अपन क्या बोलेंगे? कंजक्शन। एंड की कंडीशन को क्या बोलेंगे? कंजक्शन यानी संयोजन। कंजक्शन का मतलब एंड की कंडीशन, उन दोनों को मिला के जो बना रहे हैं, एंड या और की कंडीशन। डिसजंक्शन में क्या आ जाएगा? यानी इसकी होगा वियोजन। इसमें कैसी कंडीशन आएगी अपने पास? और की कंडीशन। तो इसके लिए क्या टेबल बनेगी? ये पी है, ये क्यू है, ये पी और, इसके लिए भी फोर केसेस, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू। इसका साथ में लिखा ना, ये फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। जब अपन जिस फंक्शन की बात कर रहे हैं और की, या तो ये या एक तो ये है ना, दोनों में से एक सही होगा तब भी उसको सही माना जाएगा। जब प्लस की कंडीशन होगी या अपने इसको किससे डिनोट करेंगे? प्लस। एंड वाली कंडीशन इनटू से, और वाली कंडीशन को प्लस से। ये और है और ये एंड है, क्लियर। ट्रू वैल्यू वन, फॉल्स वैल्यू जीरो। अब जब अपन बात करें वन में वन ऐड कराए, यहाँ टू नहीं लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ दो ही डिजिट्स कर दिए, जीरो और वन, क्लियर। तो वन प्लस वन को क्या लिखेंगे? वन, वन का मतलब टू। वन प्लस जीरो यानी वन यानी टू, जीरो प्लस वन यानी वन तो ये टू, और ये जीरो प्लस जीरो यानी जीरो तो वो फॉल्स। या सिंपल सी कंडीशन बोले, दो अलग अलग स्टेटमेंट है, दोनों सही है यानी सही, और या तो ये सही होना चाहिए या ये, एक गलत भी हो गया तो उसको सही मानेंगे, या आ गया ना और, या तो ये या ये, तो एक भी सही होने पर उस कंडीशन को ट्रू माना जाएगा। केवल जब ये दोनों गलत होंगे तो वो फॉल्स की कंडीशन आ जाएगी। हाँ ना है इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट कि इफ 15 जो है डिविजिबल है 3 से, ये पी गिवन, ये आइडेंटिकल का मतलब उसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं इस सेंटेंस को, है ना। 15 इज डिविजिबल
बाय थ्री, 15 थ्री से विभाजित होता है एंड क्यू है आइडेंटिकल इक्वल, 15 इज डिविजिबल बाय 3, नहीं 3 तो हो गया 5, ठीक है। तो यहां अपन देखे हैं क्या 15 डिविजिबल है 3 से, ये ट्रू है ना स्टेटमेंट, 15 डिविजिबल है 5 से, ये भी ट्रू है। हाँ ये यहां बोलता 16 इज डिविजिबल बाय 5 तो गलत हो जाता, जो गलत होगा F से लिखे, सही है T से लिखे। तो P एंड Q दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, क्लियर। तो अब इनका एंड बताया तो क्या हो जाएगी कंडीशन, P एंड Q है ना, यानी 15 इज डिविजिबल बाय 3 and 5, दोनों से डिविजिबल। तो मैंने लिखा क्या है 15 इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 5, यानी एंड की कंडीशन दोनों से आ रहा है ना। तो क्या कंडीशन हो जाएगी, ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है तो इसके लिए टेबल क्या बनेगी, P के लिए क्या आ जाएगा ट्रू, Q के लिए भी ट्रू, P एंड Q ये भी ट्रू। अपन ने चार कंडीशंस बनाई थी उसमें से एक ही कंडीशन काम आई, दोनों ट्रू है तो क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगी कंडीशन, ये उसकी टेबल बन गई। ये कैसी टेबल होगी, ट्रूथ टेबल है ना। एग्जांपल सेकंड, इफ 15 नहीं, पी क्या है आइडेंटिकल इक्वल है, 5 इज प्राइम नंबर, सही है 5 प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है जो खुद से डिवाइड होती है और 1 से, यहाँ पर बोलते हैं जिसके फैक्टर्स नहीं कर पी ट्रू है, और 5 एक स्क्वायर नंबर है, क्यू जो है 5 एक स्क्वायर नंबर है, 5 इज स्क्वायर नंबर यानी स्क्वायर यानी वर्ग संख्या, क्या ये वर्ग संख्या है क्या, जैसे 25 है वो स्क्वायर नंबर है उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 36 है वो स्क्वायर नंबर है उसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ अपना क्या है 5 स्क्वायर नंबर नहीं, तो यहाँ पी स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पी स्टेटमेंट ट्रू है एंड क्यू स्टेटमेंट ट्रू नहीं, ट्रू नहीं है तो क्या हो जाएगा फॉल्स। तो इसकी क्या टेबल बनेगी, इसका मतलब कैसा है फॉल्स, पी क्यू पी एंड क्यू, ये ट्रू ये फॉल्स, क्लियर। पी एंड क्यू की कंडीशन बनाया तो क्या है, 5 एक प्राइम नंबर है जो स्क्वायर नंबर है, ये पी एंड क्यू क्या होगा, पी एंड क्यू स्टेटमेंट क्या होगा, 5 इज प्राइम नंबर एंड दो सिंपल स्टेटमेंट की कंबाइंड फॉर्म में है, 5 प्राइम नंबर है एंड 5 इज स्क्वायर नंबर, तो क्या ये एंड आ रहा सही है क्या, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा ट्रू फॉल्स, क्या हो जाता है फॉल्स, ट्रू को अपन डिनोट करते हैं 0, 1 से और फॉल्स को डिनोट करते हैं 0 से और एंड को डिनोट करते हैं अपन इनटू से, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा अपना 0। नेक्स्ट है एग्जांपल थर्ड कि अंडर डॉग पी कैसा स्टेटमेंट है, अंडर रूट ऑफ 2 इज रैशनल नंबर,
यानी परिमेय संख्या। क्या अंडरट ऑफ टू रैशनल है? अंडरट ऑफ टू तो क्या होती है, इरेशनल, अपरिमेय, यानी ये स्टेटमेंट गलत है, क्लियर, फॉल्स है। दूसरा है क्यों, क्या है, टू इज इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। पी आ रहा है अंडर रूट टू इज रैशनल नंबर, क्यू आ रहा है टू इरेशनल नंबर। तो अंडर रूट टू एक रैशनल नंबर होता है और टू क्या होता है, ये रैशनल नंबर होता है, ये इरेशनल, ये रैशनल, तो उल्टा दे रहता है। तो इसका मतलब यहाँ पी और क्यू दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पी एंड क्यू दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स, क्लियर। तो पी एंड क्यू क्या होगा, अंडर रूट टू इज रैशनल नंबर एंड टू इज इरेशनल नंबर, है ना। दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर दिया गया है, फिर हम इनकी ट्रुथ टेबल बनाए तो क्या होगी, ये ट्रुथ टेबल, पी क्यू, पी भी गलत है तो एफ, क्यू भी गलत है तो एफ, पी एंड क्यू दोनों गलत है तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत ही तो है कि अंडर डॉट टू रैशनल नंबर भी है एंड टू इरेशनल नंबर भी है, एंड में दोनों में से एक कंडीशन भी गलत होती है तो उसको पूरा गलत माना जाता है, तो फर्स्ट, और में एक गलत है एक सही है तब भी उसको सही मानते हैं, और क्योंकि और बोला या तो ये होगा या ये होगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल, यानी और की कंडीशन। तो यहां पे कंडीशन है, तो इसका है एग्जांपल फर्स्ट, ध्यान से समझना, स्ट्रेट लाइन एल वन और एल टू समांतर, स्ट्रेट लाइन एल वन एंड एल टू आर पैरेलल, यानी समांतर, और क्यू दूसरा स्टेटमेंट है कि अपने पास क्या कंडीशन है, स्ट्रेट लाइन एल वन और एल टू समगामी, यानी कोल साइड है, यानी एक पॉइंट पे मिलती है, एल वन एंड एल टू आर कॉन्साइड, यानी संगामी, ध्यान से समझना, दो लाइन्स है ये एल वन ये एल टू, ये बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट है ये पैरेलल, सेकंड बोल रहा है यही दोनों लाइन संगामी कॉन्साइड एक पॉइंट पे मिल रही है, दोनों में से क्या होगी, एक कंडीशन होगी, या तो पी सही है तो क्यू गलत होगा, या तो पैरेलल है तो ये संगामी होगी नहीं कॉन्साइड होगी, या फिर अगर ये एक पॉइंट पे मिल रही है तो ये पैरेलल नहीं होगी। तो इसका मतलब या तो पी सही है तो क्यू फॉल्स होगा, और या क्यू ट्रू है तो पी फॉल्स होगा, दोनों में से एक ही कंडीशन राइट होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस में क्या कंडीशन आ जाएगी, और की कंडीशन। तो P जो है स्टेटमेंट ट्रू है, देन Q स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स, या और की कंडीशन, P स्टेटमेंट फॉल्स है देन Q स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू।
कैसी कंडीशन आ गई और की, क्लियर। तो यहां ट्रुथ टेबल क्या बन जाएगी, ये बन रहे हैं यहां पे पी क्यू पी एंड क्यू और और के लिए ये नोटेशन। अगर P ट्रू है तो Q क्या होगा, फॉल्स होगा। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ट्रू। और की कंडीशन का नाम होता है प्लस, यानी 1 प्लस 0 करें तो क्या हो जाएगा, तो अपन बोल रहे हैं कि वो दोनों लाइन पैरेलल है तो वो संगम ही नहीं, सही है। या तो ये है ये, तो ये ट्रू हो गया। या फिर ये भी हो सकती है ये फॉल्स हो जाए, ये ट्रू हो जाए, तभी ये क्या होगी, ट्रू की कंडीशन, दोनों कंडीशन बन जाएंगे। इसी का एग्जांपल सेकंड, पी जो है 15 इज डिविजिबल बाय 3 एंड क्यू जो है 15 इज डिविजिबल बाय 5। तो P और Q क्या हो जाएगा, अगर स्टेटमेंट में लिखना है 15 इज डिविजिबल बाय 3 या 5, है ना। और का मतलब क्या होता है, 15 इज डिविजिबल बाय 3 और 5, उस पर दोनों भी कंडीशन आ जाती है, एंड दोनों भी लिख सकते हो, एंड 3 बोथ की कंडीशन, और नहीं देखता 15 इज डिविजिबल बाय 3 और 5 की कंडीशन। तो यहाँ क्या है, 15 इज डिविजिबल बाय 3, ये कैसा सेंटेंस है, ट्रू, ये है ट्रू, ये 5 से डिविजिबल, ये भी ट्रू। तो क्या कंडीशन आ जाएगी अपने पास, PQ ये ट्रू, ये ट्रू, P और Q। तो क्या आती है कंडीशन, 15 डिविजिबल बाय है या तो 3 से, सही है कंडीशन, या 5 से, तो ये ट्रू हो गया। किसके कारण आया, और का मतलब प्लस, ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 में लिख के यहाँ 1 ही लिखा जाता है, क्योंकि दो ही डिजिट चलती है 0 और 1 की फॉर्म में, क्लियर। तो ये कंडीशन आ जाएगी। एग्जाम्पल थर्ड, 15 है ये P माइनस 3 ग्रेटर देन 1 एंड Q माइनस 3 ग्रेटर देन 2। तो P और Q क्या हो जाएगा, माइनस 3 जो ग्रेटर देन है 1 या 2 से, और की कंडीशन के लिए पूछ रहा हूँ। माइनस 3 1 से ग्रेटर देन 2 है, ये 2, माइनस 3 2 से बड़ा है, सही है, नहीं गलत है ना, दोनों ही तो गलत है। माइनस 3 1 से बड़ा है, ये कैसा है, फॉल्स, ये भी कैसा है, फॉल्स, गलत ही तो होगी। तो इस बार अगर इसकी टेबल बनाए तो पी क्यू पी और क्यू, तो ये माइनस 3 ग्रेटर देन है 1 से या 2 से, दोनों में से एक ही सही है, गलत है, तो ये फॉल्स, ये फॉल्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। और का मतलब होता है दोनों में से एक भी राइट हो तो वो राइट हो जाता है, क्योंकि अपन और बोल रहे हैं, या बोल रहे हैं या तो ये आए ना, तो 1 से बड़ा है ना 2 से, तो ये फॉल्स। अभी कंडीशन